जिंदगी जीने का तरीका उनसे सीखो जिन्होंने अपनों से धोखा खाया है। जिंदगी जीने का तरीका उनसे सीखो जिनकी जेब में एक भी पैसा नहीं है तब भी वो मुस्कुराते रहते हैं। जिंदगी जीने का तरीका उनसे सीखो जिनके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है। जिंदगी जीने का तरीका उनसे सीखो जिनके ना हाथ है ना पैर हैं फिर भी उन्हें अपनी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं है। और एक हम हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं। मेरे दोस्त, ये लाइफ एक गेम की तरह है। आप जितना आगे बढ़ोगे मुसीबतें उतना ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हार मान ली जाए और ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से जी जाए। ये लाइफ हमारी है और हमें कैसे जीना है ये हमें ही तय करना है। मुझे नहीं पता आप कहाँ के हो, कौन हो, लेकिन मुझे इतना पता है आप किसी न किसी परेशानी में ज़रूर होंगे और इसी परेशानी की वजह से आप ज़िंदगी जीने का तरीका तक भूल गए हो। इसलिए मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में 10 ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आपको ज़िंदगी जीने का तरीका समझा देंगी। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जहाँ लाइफ का सवाल हो वहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, घमंड नाम की बीमारी से दूर ही रहना, वरना आपका भला चाहने वाले भी आपसे दूर हो जाएंगे। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, ये घमंड नाम का रोग जिसे लगा है वो बर्बादी की कगार तक पहुंचा है। ये घमंड ही होता है जो हमें अपनों से दूर कर देता है। ये घमंड ही होता है जो हमें मुसीबतों में फंसा देता है। ये घमंड ही होता है जो हमें सक्सेसफुल होने नहीं देता, और यही घमंड हर किसी की बर्बादी की वजह बनता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास औरों से ज़्यादा पैसा है, आपके पास औरों से ज़्यादा ज्ञान है, आपके पास औरों से ज़्यादा ताकत है, तो आपको इन सब चीज़ों पर कभी भी घमंड नहीं करना है, बल्कि आप में इन सब चीज़ों की और भी ज़्यादा भूख होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो सबसे ज़्यादा है, बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए अभी तो बस शुरुआत है, अभी मुझे बहुत आगे तक जाना है। दूसरी बात, अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा कर गुजरो जिसे देखकर आपके माता पिता ही नहीं पूरी दुनिया आप पर नाज करे। मेरे दोस्त, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। क्या आपने कभी अपने माता पिता के बारे में सोचा है जिनके पास आपके सिवा और कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं। उन्हें दुख तभी होता है जब दुनिया कहती है उनकी औलाद निकम्मी है, बेकार है। ये सब सुनने के बाद भी वो आपसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा है कि एक न एक दिन आप उनका नाम ऊंचा करोगे और उस दिन वो दुनिया वालों के सामने छाती चौड़ी करके गर्व से कहेंगे, ये मेरा खून है। लेकिन आप हैं कि दुनिया की खोखली रंगीनियों में खोए पड़े हैं। किसी का दिल टूटा है तो किसी को अपने लवर के सिवा कुछ और दिखा ही नहीं देता। इसलिए अब भी वक्त है, इन सबसे आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करो। तीसरी बात, अपने फेस की स्माइल को कभी भी कम मत होने देना, वरना लोग आपको नोटिस करना छोड़ देंगे। और जिस दिन लोगों ने आपको नोटिस करना छोड़ दिया, उस दिन से आपका पतन होना तय है। चाहे आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, चाहे आप गरीबी की दलदल में घुसते चले जा रहे हों, चाहे आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, चाहे आपको अपनी ही लाइफ बोझ लगने लगी हो, लेकिन फिर भी आपको हंसते रहना होगा, क्योंकि आपकी हंसी ही वो ब्रह्मास्त्र है जो आपके हर दुख को दूर कर सकती है। क्योंकि दुनिया उसी के साथ चलती है जिसके चेहरे पर कामयाबी का तेज होता है। जो इंसान खुद में ही दुखी रहता है, हमेशा परेशान रहता है, ऐसे इंसान से कौन नाता जोड़ना चाहेगा, आप खुद ही सोच कर देखिए। इसलिए ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी हैं, बल्कि ये सोचो उन प्रॉब्लम्स का तोड़ क्या है। चौथी बात, कॉन्फिडेंस से भरपूर रहें और दूसरे लोगों से डरना बंद करें। देखो यार, आज के टाइम में आप जितना दूसरे लोगों से डरोगे लोग आपको उतना डराएंगे, क्योंकि इस दुनिया में उसी का बोलबाला है जिसकी जेब में पैसा होता है पावर होती है। अगर आप दिल के अच्छे हो, सच्चे हो और आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो लोगों को आपकी अच्छाई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दुनिया का ये दस्तूर है जिसकी जेब में पैसा है उसी का नाम अच्छा है। इसलिए सबसे पहले पैसे कमाने पर ध्यान दो, उसके बाद आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के लाइफ ऐसी होती है मानो हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहे हो। इसलिए मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस से भरपूर रहो और इस दुनिया से डरना बंद करो। पांचवी बात, फालतू लोगों का साथ करना बंद करो। आपके ऐसा करने से लोगों की नजरों में आपकी इज्जत कम होना शुरू हो जाती है। फालतू लोग ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही हमें कुछ करने देते हैं। ऊपर से ऐसे लोगों का साथ करने से पूरी दुनिया हमें भी फालतू समझने लगती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप नशा नहीं करते, लेकिन आपका जो दोस्त है वो खूब नशा करता है और सारा दिन इधर उधर फालतू में घूमता रहता है। लोगों की नज़रों में वो एक बेकार इंसान है, और ऐसे इंसान के साथ जो भी घूमता फिरता है वो भी दुनिया वालों की नज़रों में एक फालतू और बेकार इंसान बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई है तो उससे दूरी बना लेने में ही आपका भला है, क्योंकि वो ना तो खुद कुछ करेगा और ना ही आपको कुछ करने देगा।
इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। छठी बात है, मेरे दोस्त, अपनी कीमत समझो और खुद पर भरोसा रखो कि आप इस दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो खुद को एक बेकार इंसान मानते हैं। उनके हिसाब से उनकी लाइफ सबसे बेकार है। उन्हें लगता है दुनिया का हर इंसान सुखी है सिर्फ उन्हें छोड़कर, और उनकी यही सोच उन्हें जीरो बना देती है। देखो यार, फेक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। बेकार होती है तो उसकी आदतें, उसकी सोच। आप खुद को किसी से कम मत समझो। कोई आपसे अच्छा है तो होने दो, कोई आपसे ज्यादा पावरफुल है तो होने दो, किसी के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है तो होने दो। बस एक बात हमेशा याद रखना, आप उससे भी चार कदम आगे निकल सकते हैं अगर आप में दृढ़ निश्चय करने की ताकत है तो। इसलिए खुद को किसी से भी कम मत समझो, आप यूनिक हो सिर्फ इतना समझो। सातवीं बात, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, पैसों की कमी, ये सब कभी खत्म नहीं होती, इन्हें मैनेज करना पड़ता है। हमें इन सब चीज़ों के हिसाब से नहीं बल्कि इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए। अगर हम चाहें तो हमेशा खुश रह सकते हैं, लेकिन हम खुश रहना नहीं चाहते। अगर हम चाहें तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन हम दुनिया पर तो क्या अपने आसपास के लोगों पर भी राज नहीं करना चाहते। ये सब बातें सुनने में तो बड़ी सिंपल लग रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में उतनी मुश्किल हैं। आप हर वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हो। बस आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो एक मैच्योर इंसान में होती है, ताकि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनेज कर सको। आठवीं बात, हर काम में सबसे आगे रहें, अपनी लाइफ को खुलकर इंजॉय करें। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को खुलकर इंजॉय नहीं कर पाते, और इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है, हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा उस काम को शुरू कर दे और फिर हम उस काम को करें। शायद इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में हमेशा दुखी ही रह जाते हैं। देखो यार, अगर आपको कुछ सीखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको उन सभी कामों को करना होगा जिन कामों को करने से आपको डर लगता है। क्योंकि जब तक आप खुद उस काम को करके नहीं सीखोगे, तब तक आप उस काम में परफेक्ट नहीं बन पाओगे और ना ही अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाओगे। इसलिए आपको हर काम में सबसे आगे रहना चाहिए और अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करना चाहिए। नौवीं बात, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके काम की प्रशंसा करें, उसके काम में अपनी खुशी दिखाओ। देखो यार, बुरा मत मानना, पर मोस्टली लोग दूसरों से जलते हैं, उनकी बराबरी करना चाहते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, और ये सब करने में वो अपना बड़े से बड़ा नुकसान सहने के लिए भी तैयार रहते हैं। एक बात याद रखना, अगर आप हार कर भी मुस्कुराना जानते हो तो याद रखना, जीतने वाले की खुशी आधी रह जाएगी आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर। इसलिए आपके आसपास जितने भी लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, उनके की प्रशंसा जरूर करें और दूसरों की खुशियों में शामिल होना सीखें। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और सही मायने में एक अच्छी लाइफ गुजार पाएंगे। दसवीं बात, अपना स्टैमिना बढ़ाओ। अगर मैं ये कहूँ कि आपके अंदर भी आलस है, आपके अंदर भी किसी काम को करने की इच्छा नहीं है, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें हमारे खान पान का, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का दोष होता है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी पर खास ध्यान दें और अपने खान पान को सुधारें, ताकि हमारी बॉडी में आलस नहीं ताकत बने।